अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये एक आयत ऐसी है जिसको आयतल कुर्सी कहते हैं, एक आयत है पूरी, और इसके मुतालिक फजाइल इतने आए हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को खास तोहफे के तौर पर आयतल कुर्सी अता फरमाए। जो आयतल कुर्सी पढ़ लेता है वो सारी बलाओं से महफूज है, रात को अगर पढ़ करके सोया तो उसका घर जलने से महफूज, जलने से, चोरी होने से महफूज। बल्कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के मुतालिक ये भी है कि अगर हर फर्ज नमाज के बाद किसी की आदत है कि वह आयतल कुर्सी पढ़ लिया करता है हर फर्ज नमाज के बाद, तो फरमाया गया कि जब उसकी रूह निकलने का वक्त आएगा, उसकी रूह निकलने का वक्त आएगा तो ऐसा होगा कि उसकी रूह इधर निकाली जा रही होगी, एक कदम दुनिया में होगा, दूसरा कदम जन्नत में होगा। और उसकी रूह कब्ज करने के लिए भी यह हुक्म आया कि इतनी आसानी के साथ उसकी रूह निकाली जाएगी कि उसे अंदाजा भी नहीं होगा, पता भी ना चलेगा। आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत डालो, हिफाजत के लिए भी, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेपनाह मोहब्बत करना चाहता है, अपने रब से बेपनाह मोहब्बत करके करीब होना चाहता है, उसे आयतल कुर्सी का वर्द जरूरी है। वो जिस कदर आयतल कुर्सी पढ़ेगा मौला ताला उतना करीब उस बंदे को करता जाएगा। और एक बात याद रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हमें भी आदत है, आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की एक और फजीलत है कि उसे फिर दूसरी कुर्सी की लालच भी नहीं आएगी। हाँ, कुर्सी वालों को मैं ये कहता हूं, आयतल कुर्सी पढ़ा करो ताकि ये नहुसत दिल से निकल जाए, ये कुर्सी, वो कुर्सी, वो कुर्सी, ये कुर्सी, कब तक कुर्सियों के पीछे चलोगे। जिसके पास आयतल कुर्सी हो, जैसे देखो अजमेर के ख्वाजा की कुर्सी आज तक कोई नहीं हिलाता, कोई नहीं हिलाता, और उस कुर्सी के लिए कभी इलेक्शन भी नहीं होता। हमारी बात, हमारे और 100 नस्लें भी आएंगी, हिंदुस्तान का बादशाह वो नस्लें गरीब नवाज को ही समझा करेंगी, क्यों, वो आयतल कुर्सी वाले बादशाह है। लिहाजा है सुन्नी मुसलमानों, आयतल कुर्सी का विर्द रखो, ये कुर्सियों की लालचें भी बहुत खतरनाक होती हैं, बसा औकात इंसान को काफिर बना देती हैं, बसा औकात इंसान को गुमराह कर देती हैं। हमने देखा है औलिया इकराम की तालीम में, औलिया इकराम जब किसी की तरबियत करते हैं ना तसव्वुफ में, तो तरबियत में सबसे पहले वो दो चीजों को मारते हैं। पहली चीज ये है कि खाने में लालची ना हो, बहुत ज्यादा खाना बंद कर दो। अगर किसी वली के दरबार में तरबियत लेना है तो पहली तरबियत वो ये करते हैं, खाने पर कंट्रोल। और दूसरी तरबियत, किसी भी मकाम, मर्तबे, मनसब और कुर्सी की लालच हरगिज नहीं। कोई अमल इसलिए नहीं करेगा कि मुझे ये मकाम मिले, दुनियावी मनसब मिले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि दुनिया तलब करने वाला अगर इल्मे दीन भी हासिल करेगा तो ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डाला जा रहा है। हुब्बे जाह, हुब्बे माल, हुब्बे मकाम, हुब्बे मनसब, ये बुरी खसलतें हैं। अल्लाह इन तमाम चीजों से हमें महफूज रखे। मन रका फरफा, हुजूर ने फरमाया जो झुक गया अल्लाह उसे बुलंद करता है, और जो अकड़ गया अल्लाह उसे हमेशा जलील करता है। तो ये कुर्सियां ही हैं जो अकड़ पैदा करती हैं। आयतल कुर्सी का विर्द हमेशा रखो, बहुत सारी चीजों से तुम्हें महफूज कर देगी।